साथियों, आज ये मंडल स्तरीय महारैली में महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं मुक्तागण और पूरे मंडल के कोने कोने से बहुत बड़ी संख्या में आए हुए मूल निवासी साथियों, भाइयों, बहनों। साथियों, मुल्क के हालात खराब हैं और मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब है कि इस देश के अंदर चाहे शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात किया जाए तो कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। और हालात तो इतने भी ज्यादा बिगड़ गए हैं कि वोट लेने के चक्कर में किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति भी जब मंदिर में जाता है तो राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर राष्ट्रपति को भी पूजा करना पड़ता है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जब सिख किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, तो सिखों को खालिस्तानी कहने का काम किया गया। बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक स्थल है उस पर मनुवादियों का कब्जा कराया जा रहा है, क्रिश्चियनों के संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं और देश की जो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आज़ादी के 74-75 साल में इस देश में मुसलमानों के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि मुसलमानों का परसेंटेज जितना देश में है उससे ज़्यादा जेल में उनको रखा गया है। इतने ज़्यादा मुसलमानों के हालात खराब हो गए हैं और आजकल हालात तो इतने भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को पीट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। साथियों, शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की पिटाई हो रही है, माइनॉरिटीज के लोगों की पिटाई हो रही है और देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आजादी के 74 साल में अगर सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ हुई तो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में हुई, ओबीसी समाज के लोगों के साथ में हुई और सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार किसी के साथ हुआ तो हमारे साथ में हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, लेकिन देश की जो आधी से अधिक आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, आजादी के 74 साल में पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। तो साथियों, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनती और हमें खुशी है कि इस महारैली में एक बहुत बड़ी तादाद में पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो, समझो और घर घर जाकर के बताओ कि इस देश में अगर पिछड़े वर्ग के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने किया है तो मोदी ने किया है, वो योगी ने किया है। 2014 में मोदी जी बहुरूपिया बन के आए थे और ये कह रहे थे कि हम तो पिछड़ी जाति के हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम तो नीच जाति के हैं। हमारे लोग धोखे में आ गए, बहकावे में आ गए और धोखे और बहकावे में आकर के मोदी जी को वोट दे दिया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। एक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे, जाति आधारित गिनती करने के लिए कुर्सी गवा दिया। एक मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। जानवरों की गिनती किया मगर पिछड़ों की गिनती नहीं किया। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के
के नाम पर रोकने का काम किया, पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद करने का काम किया और पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया नहीं दिया। पहले मोदी जी नारा लगाते थे सबका साथ सबका विकास, हमारे लोग झांसे में आ गए और जब मोदी जी की सरकार बन गई तो क्या नारा हो गया, नारा बदल गया, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास बाकी सबका सत्यानाश, नारा बदल गया। साथियों समझने की जरूरत है, रेलवे बेचा, बीएसएनएल बेचा, इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा और जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा उन्होंने लाल किले को गिरवी रखने का काम किया। सतर्क होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है क्योंकि जो कौम खुद की हालत नहीं बदलना चाहती खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलता, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों सावधान हो जाओ, अपनी हालत को बदलने के लिए खड़े हो जाओ। 2014 में ठके गए, 2017 में भी ठके गए, 2017 का चुनाव आया पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार किया गया केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कहीं कहा गया अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कहीं कहा गया किसी पाल को बनाया जाएगा, कहीं कहा गया किसी और दूसरी बिरादरी को बनाया जाएगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया और पिछड़े वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री बने इस उम्मीद में बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब बीजेपी को वोट मिल गया, बीजेपी का बहुमत आ गया, केशव मौर्य को उप बना करके चुप कर दिया, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, सैकड़ों जी एनकाउंटर इस देश में इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के योगी आदित्यनाथ ने कराने का काम किया। साथियों समझने की जरूरत है, सैकड़ों हत्याएं कराने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों का किया, बलिया आपके बहुत दूर नहीं है, प्रतापगढ़ आपके बहुत दूर नहीं है, आपको सब पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पिछड़ों का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और मैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा पर निकला था, मुझको किसान मिल गए, मैंने कहा कि भाई क्या हाल है, किसानों ने कहा पटेल जी हाल मत पूछो, हाल तो बहुत खराब है। हमने कहा क्या खराब है, कहा दिन भर तो खेत में काम करते हैं और दिन भर काम करने के बाद रात में भी सोने को नहीं मिलता। हमने कहा सोने को क्यों नहीं मिलता रात में, कहा योगी जी ने एक तो अपने गुंडे छोड़ दिए हैं, ऊपर से अपने सांड छोड़ दिए हैं, योगी के गुंडे हमारे समाज की हत्या कर रहे हैं और योगी के सांड हमारी फसलों को खाने का काम कर रहे हैं। साथियों समझने की जरूरत है, फर्जी एनकाउंटर हुआ। एक बात और हम लोगों को समझाई गई थी कि अखिलेश यादव की सरकार होती है तो सारा नौकरी यादव को मिल जाती है, इसलिए हमको वोट दे दो और हम तुमको ही नौकरियां देंगे। तमाम बिरादरियों ने पिछड़े वर्ग के उन्होंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन साथियों उठाकर देख लो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कितने पिछड़ों को नियुक्ति मिली, उठाकर देख लो बांदा यूनिवर्सिटी में कितने पिछड़ों को नियुक्ति मिली, उठाकर देख लो जो एपीआई नियुक्त हुए उसमें कितने पिछड़े वर्ग के है, उठाकर देख लो जो प्रिंसिपल बने उसमें कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उठाकर देख लो आपके साथ ना इंसाफी हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, क्रय केंद्रों पर आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, खाद आपको नहीं मिल रही है, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। आजादी के 74 साल में किसी ने भी आपके लिए सही काम नहीं किया, लेकिन पिछले 40-45 साल से माननीय अमन मेश्राम साहब इस काम में लगे हुए हैं कि इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इस देश के वास्तविक बहुसंख्यक लोग हैं, इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। 40 साल 45 साल की क्रेडिट देश में किसी नेता के पास में नहीं है, अगर कोई नेता है तो माननीय वामन मेश्राम साहब है, और वामन मेश्राम साहब कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, उस वंश के आदमी है, उस खानदान के आदमी है, उस स्थान के आदमी है जिन 500 सूरवीरों ने 1 जनवरी 1818 को 28,000 पेशवाओं को बोटी बोटी करने का काम किया था, उस खानदान के आदमी मेश्राम साहब है, वो आपको पता चले इसलिए मेश्राम साहब को तलवार भेंट करने का काम मैंने किया कि आपको भी पता चले कि उस खानदान से मेश्राम साहब आते हैं।
साथियों, उन लड़ाकुओं ने शिवाजी महाराज की हत्या का बदला लिया था, संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया था, और तब ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़के संविधान में हमें अधिकार दिलाया। तब लड़ाई तलवार की थी, आज लड़ाई तलवार की नहीं है, आज लड़ाई तो ईवीएम मशीन पर होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दे दिया, इसलिए अब अगर मनुवादियों को परास्त करना है, अब पेशवाओं को परास्त करना है, तो आपको ईवीएम मशीन का एक एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को देना होगा, मेसराम साहब के समर्थन में देना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक बार फिर वोट से आप भीमा कोरेगांव करने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, इस बार 2022 में वोट से भीमा कोरेगांव होगा, 2024 में वोट से भीमा कोरेगांव होगा, और अपने विरोधियों को परास्त करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मुल्ले।